स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 के विद्रोह यानी 1857 के रिवॉल्ट के बारे में टॉपिक कराने का प्रयास करूंगा। ये टॉपिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में भारत की तरफ से यानी भारत के लोगों की तरफ से ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो विद्रोह किया गया उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है भारत के जो आज़ादी के लिए मान लो या भारत में ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ के खिलाफ उनकी एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, बहुत बड़ा संघर्ष था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि ब्रिटिश कंपनी ने 1757 से भारत में साम्राज्य की स्थापना की और लगभग 1757 से लेकर 1857 यानी 100 साल उन्होंने लगातार भारत का शोषण किया। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली हर तरीके से उन्होंने भारत को दबाया। भारत के बड़े क्षेत्रों पर उन्होंने साम्राज्य स्थापित किए। अलग अलग राजा महाराजा नवाबों को उन्होंने जीता। तो इससे भारत में एक विद्रोह की, एक विरोध की लहर थी। लोग जानते थे कि ब्रिटिश कंपनी भारत का शोषण कर रही है। तो उनके अंदर आर्थिक रूप से शोषण का, राजनीतिक रूप से शोषण का, सामाजिक सांस्कृतिक शोषण का एक उसका विरोध था। तो 100 साल में लगातार भारत के बीच में एक असंतोष, गुस्सा प्रकट हुआ और उस गुस्से का पूर्ण प्रकटीकरण जो है 1857 में था। तो इसके अलावा 1770 के आसपास सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था, जो छोटा रिवॉल्ट था पर यह पहला रिवॉल्ट माना जाता है, सन्यासी विद्रोह। ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में था, बंगाल में था। सन्यासी विद्रोह जो है इसकी जानकारी हमें आनंद मठ से मिलती है। एक पुस्तक है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो आनंद मठ में उन्होंने बताया कि सन्यासी लोगों ने ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ पहला विद्रोह किया था। ये पहला विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसकी बाद में प्रेरणाएं रही हैं, भारत में प्रभाव रहे हैं इसके। इसके बाद उनके लगातार शोषण रहे। जो मुख्य विद्रोह है वो 1857 में था। तो 1857 में 10 मई यानी 10 मई को यह स्टार्ट हुआ और मुख्य रूप से ये स्टार्ट होता है मेरठ। तो क्वेश्चन आते हैं कि 1857 की शुरुआत कहां से होती है, मेरठ से। इससे पहले ये 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में शुरू हुआ था। यानी अगर दोनों क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों का जो विद्रोह था या विरोध था वो कहां हुआ, तो बैरकपुर आएगा मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे ने 29 मार्च को बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया और अंग्रेजों के खिलाफ उसने विद्रोह शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने उसे पकड़ा और उसको फांसी पर चढ़ा दिया। तो उसका विद्रोह वहीं दब गया। उसके बाद मेरठ में वास्तविक क्रांति होती है, जिस क्रांति का प्रभाव बड़े भारत पे पड़ा और जिससे ही वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति को हम सही रूप से मानते हैं। तो मेरठ से क्रांति शुरू हुई 10 मई को। अब आते हैं कारण, यानी इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या थे। पहला कारण आएगा सैनिक कारण, जिसमें भारत में सेना में चर्बी वाले कारतूसों को इंट्रोड्यूस किया गया। चर्बी वाले कारतूसों में गायें और सूअर का मांस प्रयोग होता था, जिसके कारण भारत के सैनिकों में गुस्सा था, असंतोष था। उन्होंने इस कारण को तत्कालीन कारण के रूप में उन्होंने विद्रोह को शुरू किया। फिर आते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में ऐसे कारण आएंगे कि भारत में राज्यों को, स्टेट को, नवाबों को हराया अंग्रेजों ने उनकी पॉलिसीज से, जिसमें एक आता है सहायक संधि, उसका ही बड़ा योगदान था। सहायक संधि जो है ये लॉर्ड वेल्सली ने स्टार्ट की थी। इसको कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस से उन्होंने भारतीय राज्यों को कमजोर किया, उनकी सैनिक शक्ति को कमजोर किया। दूसरी पॉलिसी आती है जिसको, इसको कह देते हैं लैप्स की नीति। लैप्स की नीति में क्या था, उन्होंने भारत में गोद निषेध यानी बच्चों को अडॉप्ट करने की पॉलिसी को बंद कर दिया, जिससे राजा महाराजा जो है लड़के को गोद नहीं ले सकते थे, जिसके कारण कई राज्य जो हैं ब्रिटिश सत्ता में लैप्स हो गए। इसको पॉलिसी ऑफ लैप्स कह देते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह देते हैं। ये स्टार्ट की थी लॉर्ड डलहौजी ने। तो डलहौजी ने लैप्स की पॉलिसी, लॉर्ड वेल्सली ने सब्सिडरी अलायंस। इन नीतियों से भारतीय राज्यों में असंतोष था, राजा नवाब आदि जमींदार आदि नाराज थे और वो एक मौके के तलाश में थे कि कब एक ऐसा मौका मिले जिसमें वो ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह करें। इसके अलावा प्रशासनिक कारण आते हैं। प्रशासनिक कारणों में उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिससे भारत का शोषण हुआ, भारतीय लोगों को मौका नहीं मिलता था, भेदभाव होता था उनके साथ। तो भारत की जनता में एक विरोध की लहर थी। फिर आता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण।
सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में ऐसे कारण आएंगे कि ब्रिटिश प्रभाव से एक ऐसा प्रभाव हुआ कि भारत में जो सांस्कृतिक नीति थी उस पर प्रभाव पड़ा। लोगों को लगा कि उनके धर्म उनकी संस्कृति पे खतरा है, ब्रिटिश पॉलिसीज जो है उनके धर्म को ख़त्म करना चाहती हैं, तो इस कारण उनमें एक सामाजिक असंतोष था, सांस्कृतिक असंतोष था। और सबसे मुख्य आता है आर्थिक यानी इकोनॉमिक। तो ब्रिटिश का पॉलिसीज का मुख्य उद्देश्य भारत को शोषण करना था, किसानों का शोषण था, उद्योगों का शोषण था, राजा महाराजाओं का शोषण था, समाज का शोषण था। तो आर्थिक शोषण के कारण भी जनता असंतोष में थी और जब उसे 1857 में मौका मिला उसने विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो कारण में आएंगे सैनिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कारण। अब आता है क्रांति की शुरुआत या विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है। तो ये मुख्य रूप से मेरठ आता है। तो मेरठ के बारे में क्वेश्चन आते हैं। 10 मई को ये शुरुआत हुई 1857 में। तो मेरठ में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में आंदोलन किया और वहां पर मेरठ में कंपनी को हराया। तो यहां का नेता आता है कदम सिंह। कदम सिंह एक सैनिक था जिसने सिपाही म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह को लीडरशिप दी, नेतृत्व किया। 11 मई को यह विद्रोह जो है दिल्ली पहुंच गया। तो दिल्ली में यानी एक दिन बाद 11 मई को दिल्ली में बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट को भारत का सम्राट घोषित किया गया और क्रांतिकारियों ने, विद्रोहियों ने उस समय बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ एक बड़े विद्रोह की प्लानिंग की। तो बहादुर शाह जफर जो है 1857 की क्रांति का अखिल भारतीय नेता था जो मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित करना चाहता था और ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना चाहता था। बहादुर शाह ने, सबसे बुजुर्ग नेता थे, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन आते हैं, उन्होंने खुद तो अपने कमांडर को भेजा ताकि वो ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ सैनिक संघर्ष करें। 11 मई से ये दिल्ली में भी फैल गया था। इसके बाद ये कानपुर में आते हैं नाना साहेब आते हैं। ये पेशवा थे, इनका असली नाम दुद्दू पंत आता है। इन्होंने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संघर्ष किया, विद्रोह किया। फिर आता है जी लखनऊ में बेगम हजरत महल। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने बेटे के नवाबी के लिए आंदोलन में भाग लिया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ की रियासत को बचाने के लिए विद्रोह में भाग लिया था। फिर आता है बिहार में कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। ये वहां के नेता थे, सबसे लंबे समय काल तक बिहार में विद्रोह को नेतृत्व दिया था कुंवर सिंह ने। हरियाणा में मुख्य रूप से आता है राव तुला राव। हरियाणा में आएगा राव तुला राव। इसके अलावा ग्वालियर में तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे दो नेता थे, ये झांसी और ग्वालियर दोनों में आएंगे। तो झांसी में मुख्य रूप से तो रानी लक्ष्मीबाई थी, पर ग्वालियर में दोनों ने मिलकर, ग्वालियर के किले में लक्ष्मीबाई ने और तांत्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। अब आता है कि इस विद्रोह में हमारे क्रांतिकारियों ने एक प्रॉपर प्लानिंग तो नहीं कर पाए, उनके हथियार पुराने थे, उनके पास तकनीक नहीं थी, स्ट्रेटजी नहीं थी, संसाधन नहीं थे या उनके पास कम्युनिकेशन नहीं थी, जबकि ब्रिटिश कंपनी के पास अच्छी तकनीक के वेपन थे, अच्छी टेक्नोलॉजी थी, प्लानिंग से थी था, उनके साधन इंटीग्रेटेड थे, कई जमींदारों ने उसका साथ भी दिया था। तो ब्रिटिश कंपनी ने इस विद्रोह को कुचलना प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन आते हैं कि इस विद्रोह को कुचला किसने है, यानी इस विद्रोह को दबाने वाला कौन था। तो सबसे मुख्य जो आएगा वो आएगा जी लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल थे वो, तो लॉर्ड कैनिंग ने प्रयास किए। तो लॉर्ड कैनिंग ने अपनी नीतियों को बनाया, अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। लॉर्ड कैनिंग ने हडसन और निकल्सन को दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। तो हडसन निकल्सन ने दिल्ली में विद्रोह को दबाया। फिर आता है कैंपवेल ने लखनऊ और कानपुर में विद्रोह को दबाया। लखनऊ और कानपुर में उन्होंने विद्रोह को दबाया। टेलर ने बिहार में विद्रोह को दबाने में सहायता प्राप्त की या उसमें सहयोग दिया। तो मुख्य रूप से लॉर्ड कैनिंग के कई कमांडर थे जिन्होंने भारत में बड़े भाग में आंदोलन को दबाया।
और इस विद्रोह को एक साल लगा है दबाने में। तो ब्रिटिश पॉलिसीज ने काफ़ी लोगों को मारा, विद्रोह को बहुत ही निर्ममता से कुचला, लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया। तो जैसे तांत्या टोपे को डायरेक्ट ही उन्होंने फांसी पे चढ़ाया। बेगम हजरत महल जो है भागकर नेपाल चली गई थी। राव तुलाराव को भी हरियाणा से विद्रोह करने के बाद चले गए यहाँ से। इसके अलावा उन्होंने बहादुर शाह जफर को म्यांमार रंगून में जेल में डाल दिया, यहाँ से भारत से अरेस्ट किया और उनको रंगून में जेल में डाल दिया। नाना साहेब को एक संघर्ष में मार दिया गया। तो भारत के जो बड़े नेता थे वो संघर्ष में मारे गए या जेल में डाल दिए गए और विद्रोह को बड़ी निर्ममता से अंग्रेजों ने कुचल दिया। तो इस विद्रोह में एक बहुत बड़ा मैसेज था ब्रिटिश कंपनी के लिए और एक मैसेज था भारत के लिए। तो कई क्वेश्चन आए हुए हैं कि 1857 की क्रांति के प्रभाव, यानी इस क्रांति के प्रभाव क्या थे। तो सबसे बड़ा प्रभाव था कंपनी के शासन का अंत। कंपनी के शासन का अंत जो है ये 1858 में हुआ है, 1 नवंबर को 1858 में, 1 नवंबर 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, रानी ने क्राउन के शासन को लागू किया और 1 नवंबर को उसकी घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने की। तो उन्होंने कंपनी के शासन का अंत कर दिया। 58 के बाद भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट या क्राउन का शासन था, क्राउन नीतियां बनाता था और अपने गवर्नर जनरल और वायसराय के माध्यम से वो भारत में नीतियों को लागू करता था। तो 1 नवंबर की डेट आती है, इलाहाबाद में पहली बार घोषणा हुई क्राउन के शासन की, लॉर्ड कैनिंग ने इस शासन की घोषणा की थी। इसके बाद ब्रिटिश पॉलिसीज में एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तौर पर परिवर्तन आया। उन्होंने भारत के समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप की नीति को बंद कर दिया। अब वो अहस्तक्षेप करने लगे, यानी उसमें भागीदारी नहीं करते थे, किसी भी प्रकार से चेंज करने के विरोध में आ गए वो। इसके अलावा उन्होंने सेना को डिवाइड एंड रूल के आधार पर बांटा, जातिगत आधार पर, मार्शल कॉम के आधार पर उन्होंने डिवाइड किया। समाज में उन्होंने हिंदू मुस्लिम वैरभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उनकी नीतियों में मुख्य रूप से ये आता है। जबकि भारत पर प्रभाव आता है 58 यानी 1757 के विद्रोह के बाद। भारत में पढ़े लिखे वर्ग का उदय हुआ और पढ़े लिखे वर्ग ने सोचा कि अब वो लगातार शस्त्रों के द्वारा, हथियारों के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को नहीं हरा सकते। तो उन्होंने शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य और जन जागरण के द्वारा लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। इस नीति के आधार पर राष्ट्रीयता का उदय हुआ और 1858 के बाद भारत में राष्ट्रीयता एक बड़े पैमाने पर फैली, जागरूकता फैली, जिसके कारण भारत में स्वतंत्रता संघर्ष जो है बाद में चले हैं। और एक बड़ी लीडरशिप यानी राजा, महाराजा, नवाब खत्म हो गए बड़े पैमाने पर, और उनके जाने के बाद पढ़े लिखे मध्यम वर्ग को मौका मिला कि भारत में वो राजनीति में भाग लें और वो अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित रूप से प्रयास करें। तो ये भारत के ऊपर प्रभाव आते हैं। इसके अलावा 1857 की क्रांति के बारे में अन्य क्वेश्चन आते हैं, जैसे 1857 की क्रांति की 50वीं सालगिरह यानी 50 ईयर सेलिब्रेशन, ये V.D. सावरकर ने किए थे। V.D. सावरकर ने 1907 में 1857 की क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई। वो एक बड़े क्रांतिकारी थे, वो चाहते थे कि 1857 की क्रांति से भारतीय लोगों को मैसेज मिले। तो उन्होंने एक बुक लिखी, एक किताब लिखी जो 1857 की क्रांति के ऊपर थी। इस किताब का नाम था फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो V.D. सावरकर की किताब है और उन्होंने 1907 में इस 50वीं सालगिरह को मनाया। तो V.D. सावरकर का योगदान आता है। इसके अलावा बेंजामिन डिजरेली आते हैं। इन्होंने 1858-59 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ये वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे उस समय। तो बेंजामिन डिजरेली ने इस क्रांति को नेशनल रिवॉल्ट यानी एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। इसके अलावा सीले ने इस क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा है और कई विद्वानों ने इसको हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में भी कहा है। मजूमदार ने इस क्रांति को ना तो पहला, ना अंतिम और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ना तो ये पहला ही था, इससे पहले भी विद्रोह हुए हैं। स्वतंत्रता यानी ये स्वतंत्रता के लिए नहीं था, यानी राजा महाराजा या नवाब जो है अपनी सत्ता को प्राप्त करना चाहते थे, और ना ही ये राष्ट्रीय विद्रोह था। तो कई लोगों ने इसकी जो वो थी प्रकृति थी उसके आधार पे इसके ऊपर सवाल उठाए हैं, परंतु फिर भी ये एक बड़ा विद्रोह था।
उत्तर भारत में था मुख्य रूप से, और इस विद्रोह के भारत के ऊपर प्रभाव काफी ज्यादा थे। बाद के काल में इस विद्रोह से लोगों ने प्रेरणा मिली है, पढ़े लिखे वर्ग को प्रेरणा मिली है, और ब्रिटिश कंपनी को भी चैलेंज मिला कि अगर वो अपनी शोषणकारी नीतियों को इसी तरीके से चलाते तो भारत में बड़े विद्रोह हो सकते थे। उसके बाद उन्होंने शोषण के तरीके बदले और भारतीय लोगों ने भी अपनी जो आंदोलन करने के तरीके थे वो भी बदले। तो 1857 की क्रांति एक मुख्य क्रांति थी जिसने एक साल के अंदर ब्रिटिश पॉलिसीज का विद्रोह किया, उनके विरोध में किया, और इस क्रांति का भारतीय इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो इस लेक्चर में मैंने 1857 की क्रांति कराई, मुख्य जो फैक्ट थे वो भी कराने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।